बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं अलंकार। तो अलंकार क्या है? अलंकार का सीधा सा अर्थ होता है आभूषण, गहना। अगर हम साहित्य के आधार पर कहते अगर हम साहित्य के आधार पर अलंकार को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो अलंकार उन शब्दों को कहा जाता है जो वाक्य में एक चमक या एक सौंदर्य लाने का काम करते हैं। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे अगर हम वाक्य को देखें तो वाक्य में क्या है कि र शब्द का उच्चारण बार बार होने से जो वाक्य है उसके अंदर एक अलग सा एक चमक आ जाता है, एक अलग सा सौंदर्य आ जाता है। तो इस तरह से क्या है, अलंकार जो है वाक्य में सौंदर्य लाने का काम करते हैं। मोटे मोटे तौर पर अलंकार जो है 150 टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पर हम मोस्टली 11 अलंकारों को ही पढ़ने वाले हैं जो हमारे स्कूलिंग पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इसके दो भेद हैं, फर्स्ट शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार ऐसे अलंकारों को कहा जाता है जो शब्द के आधार पर वाक्य को खूबसूरत बनाने का कार्य करते हैं, जबकि अर्थालंकार उन अलंकारों को कहा जाता है जो अर्थ के आधार पर वाक्य में एक चमक लाने का काम करते हैं। तो चलिए हम दोनों को ही अच्छी तरह से डीपली होकर पढ़ने का काम करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने शब्दालंकार की तरफ। जैसे कि हमने बोला था कि अलंकार के दो भेद होते हैं प्रमुख तौर पे, पहला होता है शब्दालंकार, तो उसी को डिस्कस करने वाले हैं आज के शो में। तो हमारा पहला शब्दालंकार का पहला भेद है, इसके भी तीन भेद है। पहला भेद हमारा अनुप्रास, दूसरा यमन और तीसरा श्लेष अलंकार। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शब्दालंकार के पहला भेद अनुप्रास अलंकार। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये सबसे इजी अलंकार है अनुप्रास अलंकार। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे अगर किसी शब्द के अंदर क क की आवृत्ति बार बार हो रही हो, प प की आवृत्ति बार बार हो रही हो, तो वहां पर हमेशा अनुप्रास अलंकार ही आता है। तो यहां पर हम देखते हैं एक उदाहरण की सहायता समझने की कोशिश करते हैं कि होता है कैसे ये। तो ये हमारा एक उदाहरण रहा रघुपति राघव राजा राजा राम। तो यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से र र र र पूरे वाक्य में र र की आवृत्ति बार बार हुई है। तो इस आधार पर ये जो अलंकार कहना है हमारा अनुप्रास अलंकार। अगर शब्द के अंदर दो बार भी एक ही वर्ण बार बार आ जाए तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार ही होता है। ठीक है, तो शब्दालंकार के दूसरे प्रकार को देखते हैं जिसको हम कहते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार के अंदर क्या होता है कि एक ही शब्द, जो एक शब्द है वो दो बार भी आ सकता है या दो से ज्यादा बार भी आ सकता है, लेकिन अगर वो एक बार से दो बार या दो बार से ज्यादा बार आता है तो वहां पर क्या होता है उसके जो अर्थ होते हैं अर्थ में भिन्नता आ जाती है, अर्थ के अंदर क्या है अलग हो जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं काली घटा या घमंड घटा, तो यहां पर देख सकते हैं कि ये जो घटा है दोनों में लिखने में घटा और घटा दोनों का अर्थ भिन्न है यहां, लेकिन दोनों का लिखावट और दोनों का प्रोनंसिएशन उच्चारण समान है। लेकिन यहां पर क्या है फर्क क्या पड़ रहा है कि अर्थ में यहां पर जो घटा है काली घटा, यहां पे घटा हमारा क्या हुआ बादल, लेकिन यहां पे घटा इसका
इसका अर्थ होता है घटना। तो इस आधार पर क्या है कि काली घटा का घमंड घटा हमारा यमक अलग आता है। उसी तरह से तीन वेद खाती थी वो तीन वेद, यहां पर तीन वेद का एक वेद का अर्थ है बार, जैसे हम कह सकते हैं टाइम्स, तीन टाइम्स खाती थी वो। कितने वेद खाती थी वो? तीन वेद, जो एक फ्रूट है हमारा, एक हमारा फल। तो यहां पर दोनों का लिखावट सेम है लेकिन अर्थ में भिन्नता होने के कारण, अर्थ में अलग अलग होने के कारण ये हमारा यमक अलंकार कहलाता है। तो आगे अपने शब्द अलंकार के लास्ट पार्ट में जिसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। चिपकना क्यों होता है? क्योंकि इस अलंकार के अंदर हमारे पास क्या होता है, कोई वाक्य दिया होता है और उस वाक्य में कोई एक शब्द, उस शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़े होते हैं एक अर्थ के एक शब्द से अनेक अर्थ, लाइक जैसे कर, यहां पर एक कर है बट इस कर के बहुत सारे अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे कि एक कर का अर्थ होता है हमारा हाथ हो सकता है, एक कर का हमारा टैक्स भी हो सकता है, जैसे हम क्या कहते हैं राजस्व, हिंदी में राजस्व। तो सेम तरह से यहां पर भी होता है, यहां पर कि वाक्य को पढ़कर उस वाक्य में कोई एक शब्द होता है जैसे हमें लगता है उसके दो अर्थ निकलते हैं। जैसे कि अगर हम यहां से देखें, मंगल को देख पट देत बार बार है, पट के यहां पे दो अर्थ है, पहला एक दरवाजा, पट के यहां दो अर्थ है, पहला एक दरवाजा, दूसरा है कपड़ा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कई व्यक्ति जो होंगे वो इस वाक्य को पढ़ेंगे और उन्होंने पट का अर्थ, अगर उन्हें सिर्फ कपड़ा पता है तो उनको ये लगेगा कि भिखारी, मंगल मतलब क्या होता है, भिखारी को देखकर कपड़ा बार बार दे रहा है। या फिर कोई दूसरा व्यक्ति से कपड़े का अर्थ, पट का अर्थ दरवाजा बताओ तो उसे लगेगा कि भिखारी को देख देख कर जो व्यक्ति है वो दरवाजा बंद कर दे रहा है। तो यहां पर एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं श्लेषा अलंकार के अंदर। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। और आज का शब्द अलंकार हमारा खत्म हो चुका है। तो अगर आपको हमारा नया वीडियो चाहिए अर्थ अलंकार पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करना भूलिएगा मत।